फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, हमने उसे 5 वीडियो में अपलोड कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप उन 5 वीडियो को देख लिए होंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरू करेंगे जो बीजगणित का है, और बीजगणित से आपको 18 नंबर आने वाले हैं बोर्ड पेपर में। ये बीजगणित जो आपका यूनिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप शुरू से अंत तक, जब तक बीजगणित खत्म नहीं होता है, सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप परीक्षा में 18 में से 18 नंबर जरूर बना लेंगे। तो बने रहिए, बस आप थकिए मत, आगे हम लोग शुरू करेंगे। आज जो चैप्टर है आपका बहुपद, यह क्लास 10 का दूसरा एक्सरसाइज है। तो उसे चालू करने से पहले उसके जितने कंसेप्ट हैं उन्हें, उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, हमें पढ़ना है बहुपद। लेकिन हम लोग डायरेक्ट बहुपद पे नहीं आएंगे, उससे पहले हम लोग उसके कुछ कंसेप्ट समझते हैं। तो यह जो बहुपद है क्लास जो 9th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो 10th में पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये है। तो क्लास 10th और 9th के दोनों बच्चे, दोनों क्लास में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हमें विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, चालू करते हैं आज का जो टॉपिक है। पहला, जब बीजगणित स्टार्ट करते हैं तो पहला शब्द आता है चर, यानी इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर शब्द का मतलब ही है चलना। जब कोई भी चीज चलेगा तो उसकी स्थितियां बदलती हैं तो उसके बाद भी बदलेंगे। तो हम यहां लिखा गया इसकी परिभाषा, वे राशियां जिसका मान बदलता है, यानी चर का मतलब जिसका मान बदलता है वह चर कहलाती है। इतना याद रखिएगा, वे राशियां या वे प्रतीक या वे संकेत जिसका मान बदलता हो उसे हम चर कहते हैं। चर को हम संकेत, अभिधायक की संकेत है, चर को संकेतिक रूप से ए टू जेड, यानी ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं 26, उनसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारा रहा चर। एक बार और, वे प्रतीक जिसका मान बदलता हो वह चर कहलाता है, या हम लिखे हैं यहां वे राशियां जिसका मान बदलता है वह चर कहलाता है। इसे संकेत रूप में ए टू जेड यानी ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उनसे प्रदर्शित करते हैं। चर के बाद आता है दूसरा हमारा जो पॉइंट है, अचर यानी कांस्टेंट। अचर का मतलब होता है न बदलना, जो हमेशा स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, वही हमारा है अचर। तो अचर वे राशियां जिसका मान नहीं बदलता है, वे राशियां जिसका मान नहीं बदलता है वह अचर कहलाता है। इसे हम जितने नेचुरल नंबर होता है उसी से डिनोट करते हैं, यानी 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट कह सकते हैं इनफिनाइट तक। तो ये हमारा रहा अचर। हमने चर देख लिया, अचर देख लिया, अब इनके बीच में एक संबंध होता है। उसे संबंध को, वह संबंध जो होता है वह प्लस माइनस और गुणा भाग चीज से जुड़ा रहता है, और उनसे जो पद बनता है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक को जानते ही क्या है, तो कुछ निश्चित, अब ऐसा नहीं कि निश्चित ना हो, कुछ निश्चित चर। देखिए, कुछ निश्चित चर यानी ए टू जेड में से कुछ निश्चित चर और अचर, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, योग में समझते हैं जोड़, अंतर, अंतर माने घटाना, गुणन माने गुणा, तथा विभाजन माने भाग। अभी आपने देखा कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा विभाजन इत्यादि के संयोग से, अर्थात कुछ निश्चित चर और अचर रहेंगे वह या तो योग या अंतर या गुणन या भाग इत्यादि के संयोग से एक पद का निर्माण करेगा, उसी पद को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। पुनः एक बार परिभाषा, कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा विभाजन इत्यादि के संयोग से बनने वाले पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक जैसे देखिए,
यहाँ आप देख रहे हैं 3x हमने लिखा है, 3x आपका विजय व्यंजक है, विकास तीन जो है आप देख रहे हो वह आपका क्या है अचर है, यानी तीन और तीन यहाँ 3x का मतलब होता है तीन गुणे एक्स, तीन गुणे एक्स का मतलब ये हुआ कि तीन आपका अचर है और बीच में देखिए हमने कहा है ना कि योग अंतर गुणन विभाजन, देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है और ये आपका चर है, यानी अचर और चर जो बीच में जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, गुणा के द्वारा, तो यह एक पद बना है क्या 3x, 3x को क्या कहेंगे हम विजय व्यंजक कहेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ गुणा भी है, ये भी है, ऐसे बहुत सारे जो पद बनते हैं वो आपके विजय व्यंजक कहलाते हैं। तो पदों के हिसाब से जो विजय व्यंजक होता है वो पांच प्रकार का होता है, विजय व्यंजक कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। तो नीचे देखिएगा विजय व्यंजक कितने प्रकार का होता है, पांच प्रकार के। पहले को कहते हैं शून्य विजय व्यंजक, शून्य विजय व्यंजक, शून्य विजय व्यंजक का मतलब होता है कि ऐसा विजय व्यंजक जिसके सभी पद का जो गुणांक यानी कोएफिशिएंट हो वह शून्य हो, यानी उसमें पदों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, जब गुणांक ही शून्य है तो पद क्या होगा, शून्य होगा, तो उसे हम कहते हैं शून्य विजय व्यंजक। अगला जो पॉइंट है वह है एकपदीय, एकपदीय का मतलब ऐसा विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे कहते हैं विजय व्यंजक, जैसे 3x, ये जो 3x है वो आपका एकपदीय विजय व्यंजक है, ध्यान दीजिएगा 3x क्या है आपका एकपदीय, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है। उसके बाद आता है द्विपदीय, द्विपदीय मतलब शब्द से स्पष्ट हो रहा है जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो, जैसे 3x प्लस वाई, आप देख रहे हैं कि 3x एक पद हो गया और ये y एक पद हो गया, दो मिले तो दो पद हो गए, इसको हम बोलेंगे द्विपदीय विजय व्यंजक। अगला जो है हमारा वह त्रिपदीय है, त्रिपदीय माने जिसमें तीन पद हो तो त्रिपदीय त्रिपदीय कहलाएगा, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5, इसमें कितने पद हैं, ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया और ये तीसरा पद, इसे कहते हैं त्रिपदीय। अब लास्ट में आता है एक बहुपदीय विजय व्यंजक, बहुपदीय का मतलब ये होता है कि जिसमें तीन से अधिक हो, यानी चार पद हो, पांच पद हो, या छह पद हो, या उससे भी अधिक पद हो, यानी तीन के बाद जितने भी पद आएंगे वो सभी पद कहलाते हैं आपके बहुपदीय विजय व्यंजक। तो हमने बहुपद, हमें पढ़ना है बहुपद, लेकिन ये बहुपद से पहले के जो कंसेप्ट हैं आप ये नहीं जान पाओगे, तो बहुपद हम नहीं जान पाएंगे। बहुपद जानने के लिए हमें जरूरी है विजय व्यंजक जानना, क्योंकि बहुपद जानने में ये बहुत इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपका बहुपद होता है वह एक प्रकार का विजय व्यंजक ही होता है। तो आइए हम जानते हैं कि बहुपद क्या है, आप ये काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बहुपद के बारे में अध्ययन करें। हमने जान लिया चर क्या है, अचर क्या है, उसके बाद विजय व्यंजक क्या है, हमें चर्चा करना है एक्सरसाइज टू में जो हमारा दूसरा चैप्टर है 10 का, वह है बहुपद। अब जानते हैं कि बहुपद है क्या, देखिएगा ध्यान से, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो बहुपद क्या है, ऐसा निश्चित विजय व्यंजक, ऐसा निश्चित विजय व्यंजक जो एक चरीय हो, अर्थात ध्यान दीजिएगा आप हमारी बात ध्यान से, जो आपका बहुपद होता है वह भी एक विजय व्यंजक होता है, बहुपद हमारा क्या होता है एक विजय व्यंजक होता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्त क्या है देखिए, पहला शर्त यह है कि ऐसा विजय व्यंजक जो एक चरीय हो, हमने देखा कि जो विजय व्यंजक होते हैं 3x प्लस वाई यही हमारा विजय व्यंजक है, लेकिन इसमें दो चर हैं, अगर दो चर आते हैं तो वह आपका विजय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो पहले कंप्लीट करते हैं, ऐसा विजय व्यंजक जो एक चरीय हो, चर का घातांक एक धनात्मक गुणांक हो और चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है, अर्थात बहुपद होने की तीन कंडीशन, पहली कंडीशन एक चरीय होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो चर होगा उसका घातांक एक धनात्मक गुणांक होना चाहिए यानी ऋणात्मक गुणांक नहीं होना चाहिए, और जो तीसरी कंडीशन है
चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, ठीक। अगर तीनों ये कंडीशन है तो उसको हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन बहुपद भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही है। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ 3x² + 1, यह आपका बहुपद है, 3x भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। कारण यह है कि एक चरिया है, घात भी देख रहे हैं तो वह एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमारा एक वास्तविक संख्या है। तो हम और कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट में ही मिलेगा कि निम्नलिखित में से बहुपद को छांटिए, कि निम्नलिखित में दिए गए जो प्रश्न है उसमें कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये तीनों पहचान जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आपका दे दिया जाए 3x + 4y + z, इसको पूछे क्या यह बहुपद है, तो आप बिल्कुल कहो कि नहीं है। कारण पूछता है क्या कारण है, तो आप बताओगे कारण यही है, यह सबसे पहले बात एक चरिया नहीं है। देखिए इसमें x y z तीन चर हैं, बहुपद होने के लिए एक ही चर होना चाहिए। ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। लेकिन ऐसे मिल जाए x³ - 2x - 2 10 4, आप देख रहे हैं यह भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ पहला शब्द तो अप्लाई हो रहा है कि एक चर यह है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है कि चर का जो घात होगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, वह कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं है। अगला चलते हैं, अगला है √-3x² + 5x + 4। यहाँ चलते हैं, इसमें देखते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि एक चरिया है, पहला कंडीशन अप्लाई होता है, दूसरा कंडीशन है धनात्मक गुणांक भी है, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है कि जो गुणांक होगा वह वास्तविक संख्या होगा। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या ऋणात्मक करणी में हो तो वह आपका कभी वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। तो इस तरह से यह भी हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। यानी बहुपद होने के लिए पुनः एक बार मैं बता देना चाहूंगा कि तीन कंडीशन होती है। पहला कि वह एक चर वाला होना चाहिए, वो चाहे x के रूप में हो, चाहे y के रूप में हो, चाहे z के रूप में हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, एक चर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि जो चर होगा उसका जो घातांक होगा वह एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसमें जो उसका चर है उसका गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने जाना, बहुपद को पहचानना हो तो आप ऐसे ही पहचानोगे कि एक चरिया है तो बहुपद है, घातांक उसका धनात्मक है और उसका जो गुणांक है वास्तविक संख्या है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई होती है तो आपका बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। अब चलते हैं, आपसे आगे क्या पूछेगा उसको देख लेते हैं। तो आपसे आगे ये पूछेगा, अब हमें जब पढ़े थे बीजीय व्यंजक इससे पहले, तो हमने देखा था कि उसमें पूछा था कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है, उसी तरह से पूछता है बहुपद कितने होते हैं। तो बहुपद को दो भागों माने दो कंडीशनों में वर्गीकरण किया गया है, पहला पदों के हिसाब से और दूसरा घातों के हिसाब से। तो पहले आपका प्रश्न भी पूछेगा कि घात बताइए, निम्नलिखित बहुपद का घात बताइए। तो घात मतलब ये होता है कि आपको कोई बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में जो चर रहेगा, चर का जो सबसे अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे दे दिया गया 3x² + 5x + 10, ये आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक सारी बहुपद है। और इस बहुपद में पूछे कि घात बताइए, तो घात बताने का तरीका यही है कि पूरे बीजीय व्यंजक पूरे बहुपद के दौरान किसी भी चर का जो अधिकतम घात होगा वह पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ चर का क्या घात है, अधिकतम 4 है, यानी इस बहुपद का जो घात कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, और किसी घात से हमको मतलब नहीं है। यानी किसी बहुपद का अधिकतम घात ही उस किसी बहुपद में किसी चर का अधिकतम घात ही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि
घात के हिसाब से जो पहला होता है वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात सिर्फ एक हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे 3x+1 कह सकते हैं। ये 3x+1 क्या है? आपका रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं जो चर है उसका घात क्या है? एक है। तो जब चर का घात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, उसे हम कहते हैं आपका रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा होता है, दूसरा क्या होता है? तो होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? दो हो, उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे x²+5। आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में जो चर है उसका अधिकतम घात क्या है? दो है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। तीसरा होता है त्रिघातीय। त्रिघातीय का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात तीन हो, उसे कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा 2x³+5x+4 कुछ भी कर सकते हैं। इसमें चर का घात देख रहे हैं अधिकतम क्या है? 3 है। तो ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। अगला जो होता है वो होता है चतुर्थ घात। चतुर्थ घात का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का जो घात हो अधिकतम 4 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो, उसे कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद। यानी 3x⁴+5x³ -3x²-10x+20। आप देख रहे हैं इस बहुपद में जो चर का अधिकतम घात है वो क्या है? 4 है, तो इसे हम कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद, इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद और इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो हमने जान लिया बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान क्या है। बहुपद की पहचान एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक चरीय हो, चर का घातांक एक धनात्मक गुणांक हो, तथा उसका गुणांक यानी चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, उसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद को घातों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। रैखिक बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, दूसरा द्विपदीय बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, त्रिपदीय ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात अधिकतम 3 हो, और चतुर्थ घात बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात अधिकतम क्या हो? 4 हो। हमने बता दिया घातों के हिसाब से। आपसे प्रश्न पूछेगा दे करके एक बहुपद, पूछेगा कि इस बहुपद में बताइए घात कितना है, तो घात की भी बता दिया। घात क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का किसी भी चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे इसमें मान लीजिए कि पूछ ले कि x²+3x+5 में, यह एक प्रकार का बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद में देख रहे हैं किसी भी चर का अधिकतम घात कितना है? 2। यह 2 ही इस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। और इस बहुपद का घात क्या होगा? 2 होगा। तो हमने देखा यह हमारा रहा बहुपद। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, उसका नाम है शून्यंक। यहां से हर साल पेपर में प्रश्न पूछता है शून्यंक। यानी शून्यंक किसे कहते हैं, ये कैसे निकाला जाता है? आपका बहुपद दे करके वहां से शून्यंक पूछता है, हर बार पेपर में पूछता है यहां से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि शून्यंक किसे कहते हैं, उसको बताने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उसको बताया जाए। तो आइए हम लोग जान गए कि बहुपद क्या है। बहुपद घातों के हिसाब से कितने होते हैं, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बहुपद की पहचान करने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। अब हम अगर हमें बहुपद पहचान में आ जाए और पूछे इसका शून्यंक ज्ञात कीजिए, ताकि शून्यंक क्या है, शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है।
कि आपको बहुपद दिए रहने पर आपसे क्या पूछा जाएगा, शून्यंक पूछा जाएगा। तो जानते हैं कि शून्यंक क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो बहुपद का शून्यंक जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, देखिए बहुपद क्या है, यदि व्यंजक एफ एक्स, कोई व्यंजक हमें दिया है एफ एक्स, एक्स में बहुपद हो तब वास्तविक संख्या के बहुपद एफ एक्स का शून्यंक कहलाती है यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर जीरो, अर्थात किसी बहुपद के लिए कोई संख्या शून्यंक तभी कहलाती है जब उस बहुपद का मान उसमें रख दिया जाए तो उसका मान क्या है, जीरो के बराबर है, उसे हम कहते हैं शून्यंक। शून्यंक दूसरे शब्दों में किसे कहते हैं, शून्य अंक, जिसका नाम ही है शून्य अंक, यानी वह अंक जिसको किसी बहुपद में रखा जाए तो उसको शून्य बना दे, वह अंक जिसे किसी बहुपद में रखा जाए तो उसे क्या बना दे, शून्य बना दे, तो उसी अंक को कहते हैं शून्य अंक। तो वही कहा गया है कि बेजीय व्यंजक एफ एक्स कोई है हमारा एफ एक्स, तो एक्स में बहुपद हो तब वास्तविक संख्या के, जैसे हमने कहा कि कोई अंक तो वह वास्तविक संख्या क्या होगा, के होगा, के तभी बहुपद का, बहुपद का शून्यंक कहलाएगा जब एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब यहां एक्स था, एफ के, एफ एक्स जब हमने क्या रख दिया, के रखा, तो शून्यंक कहलाती है कब, यदि और केवल यदि, जब एफ के का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो इसे कहते हैं हम शून्यंक। यानी बहुपद में यानी एफ एक्स में एक्स के स्थान पर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख दें तब उस संख्या की वजह से बहुपद हमारा शून्य हो जाए, वही हमारा कहलाता है शून्यंक। अब जानते हैं शून्यंक कैसे जानते जाता है, ये इंपोर्टेंट है। शून्यंक जैसे हम मान लेते हैं, जैसे 3x plus 5 का हमें शून्यंक ज्ञात करना है, तो शून्यंक ज्ञात तभी होगा जब fx इक्वल टू जीरो। शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, fx बराबर जीरो, यानी जो प्रश्न दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं fx, तो हम ज्ञात करते हैं, तो fx जब रखेंगे 3x प्लस 5 बराबर जीरो। अब यहां से आप हल करना जानते हैं समीकरण को, यहां हो जाएगा 3x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/3, यानी ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है 3x प्लस 5 के लिए जो शून्यंक होगा वो क्या होगा, -5/3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बहुपद दिया है आपका fx बराबर दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहां माइनस कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है कोई बहुपद और इसका शून्यंक पूछे, तो हल करने का तरीका ये है, आप ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो किसी भी बहुपद को हल करना हो तो सबसे पहले शून्यंक ज्ञात करना हो, किसी बहुपद का शून्यंक ज्ञात करना हो तो उसमें जो एफ एक्स होता है वह जीरो के बराबर होता है। किसी भी बहुपद का शून्यंक ज्ञात करने के लिए एफ एक्स का तुलना करते हैं जीरो से, और एफ एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर जीरो। अब हल करते हैं, आप इसको मध्य पद बांट करके हल करना जानते हैं कैसे हल किया जाएगा। मध्य पद बांटने का मतलब क्या होता है कि मध्य पद को ऐसे दो भागों में डिवाइड करिए, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मध्य पद प्राप्त हो, लेकिन उन मध्य पदों का गुणा करने पर तीसरा पद हमें प्राप्त होना चाहिए। यानी 6 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने पर 6 हो और गुणा करने पर तीसरा पद यानी 8 हो। तो हम बांटेंगे 6 को, ये हो जाएगा 4 plus 2, 4 और 2 को जोड़िएगा 6 होगा, गुणा करिएगा 8 हो जाएगा। नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर जब इसे गुणा करेंगे तो -4x - 2x + 8 बराबर जीरो। यहां से x कॉमन करिएगा, x -4
यहाँ से दो कॉमन करिएगा तो x माइनस चार यहाँ भी हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस चार, दूसरे में हो जाएगा x माइनस दो बराबर जीरो, जिसे हम क्रमशः कह सकते हैं x बराबर चार x बराबर दो। जो खंड माइनस में आता है उसका शून्यंक प्लस में होता है, जो खंड प्लस में आता है उसका शून्यंक क्या होता है माइनस में होता है। तो हमारा बहुपद दिया गया है, अगर पूछे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स प्लस आठ का शून्यंक ज्ञात करिए, तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर हम जीरो करेंगे, जीरो अब जो जैसा ये आपका बहुपद रहेगा उसके हिसाब से हम उसका गुणखंड करेंगे। गुणखंड करने का तरीका आपने पिछले कक्षाओं में नौ में पढ़ा होगा, मध्य पद बांट के गुणखंड करना, शेषफल परिमेय से गुणखंड करना, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणखंड करना, कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणखंड, बहुत सारे गुणखंड है, जैसी परिस्थिति आएगी उसके हिसाब से गुणखंड करना है। किसी भी प्रश्न में एक ही मेथड का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा कि अलैकिक बहुपद था तो उसको ज्ञात करने का तरीका कुछ और था, यहाँ हमारा द्विघातीय हो गया तो उसको ज्ञात करने का तरीका कुछ और है, त्रिघातीय हो जाएगा तो उसको शेषफल परिमेय विधि से हल करेंगे। लेकिन कुछ भी बहुपद दिया हो तो अब बहुपद एफ एक्स मान लिया जाएगा, शून्यंक ज्ञात करने के लिए उस एफ एक्स का तुलना हम किसे करेंगे शून्य से, क्योंकि वो परिभाषा में दिखाया गया है कि वह एफ एक्स का शून्यंक कहलाएगा कब, यदि और केवल यदि जब एफ एक्स बराबर जीरो हो जाए के का मान रखने पर। तो वही के की जगह पर हम रखते हैं ये फोर और टू, आपको ये चेक करना हो कि क्या यह शून्यंक है कि नहीं, इसका मान ले जाकर के आप बहुपद में रख सकते हैं। बहुपद में रख करके देखेंगे, देख लिया जाता है यहाँ बहुपद में एक बराबर चार रखते हैं तो चार रखेंगे तो चार का वर्ग माइनस छः गुणे चार प्लस आठ, हल करिएगा ये सोलह हो जाएगा, ये गुणा करिएगा चौबीस हो जाएगा प्लस आठ, ये दोनों प्लस में है जोड़ेंगे तो चौबीस माइनस चौबीस देखिए जीरो आ गया, आज शून्य आ गया, इसका मतलब शून्यंक है। उसी तरह से एक्स बराबर दो रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा, तो क्योंकि हम शून्य से जब तुलना पहले ही कर दिए हैं तो उसके जो वैल्यू प्राप्त होंगे वही शून्यंक होंगे। इसका मान ले अगर बहुपद में रखेंगे तो आपसे चेक करने के लिए भी पूछेगा, तो चेक करने के लिए जब हम एक्सरसाइज बढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि क्या होता है, कुछ बहुपद में संबंध होते हैं उन संबंध को पढ़ा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं पुनः एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये आपके दसवीं के दूसरे एक्सरसाइज यानी बहुपद का है, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बीजगणित का पहला चैप्टर है। बीजगणित में कुल आपको बोर्ड में 18 नंबर के पूछे जाएंगे, परीक्षा में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, आपको ये सुविधा घर बैठे मिल रही है। एमएसटी एजुकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रही है, आप घर बैठे इस वीडियो का आनंद लीजिए, बस इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का घर बैठे आनंद लीजिए। पुनः एक बार मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जो आज पॉइंट पढ़ाया गया है ये पॉइंट पूरे बहुपद के दौरान जब तक ये खत्म ना हो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही से प्रश्न बनेंगे। मैं बताऊंगा कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब मैं याद दिलाऊंगा कि आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।